नारायण साई सामे दुष्कर्म केस में लांच मामले जुबानी लेवाई। अमदावाद ग्राम्य कोर्ट में पूर्व सीपी राकेश अस्थानी की जुबानी लेवाई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज व्यास की कोर्ट में जुबानी लेवामां आवी छे। अगाउ आ केस में सूरत पीएसआई चंदू कुंभाणी सामे प्रोसिक्यूशन की मंजूरी पूर्व सीपीए आपी हती। केस में अत्यार सुधी में 8 साक्षी की जुबानी और उलट तपास थई छे। 14 जुलाई रोज वधु सुनावणी हाथ धराशे। नारायण साईनो डीएनए टेस्ट न करवा और दस्तावेजों बदलवा 5 करोड़ की लांच मांगी थी। तो नारायण साई सामे जे दुष्कर्म केस छे ए केस में लांच मामले जुबानी लेवाई छे। आपने जणावी दईए के अमदावाद ग्राम्य कोर्ट में पूर्व सीपी राकेश अस्थानी की जुबानी लेवाई छे। वधु माहिती मेळवीए संवाददाता जयेश चौहान पासेथी। जयेश, नारायण साई सामे जे दुष्कर्म केस छे ते मामले लांच मामले जुबानी लेवाई छे, शुं वधु माहिती? जी वत्सल, सूरत की साधिका पर दुष्कर्म केस में जे नारायण साई सामे केस नोंधायो छे तेने लईने हवे कार्यवाही चाली रही छे। तेमां पूर्व सीपी सूरतना छे तेमनी जुबानी छे ते लेवामां आवी छे। महत्वनी वात छे के नारायण सामे केस नोंधाया बाद सूरत क्राइम ब्रांचना जे पीएसआई छे तेमणे लांच मांगी होवानी वात सामे आवी हती। 5 करोड़ लांच छे ते मांगी हती, जेमां नारायण साई नो डीएनए टेस्ट न करावा अने जे दस्तावेजोनो पोर्टल हतो ते बदलावी देवा माटे लांच छे 5 करोड़ ने मांगवामां आवी हती। त्यारबाद समग्र मामलो छे ते डीसीपीना ध्याने आवता कार्यवाही करवामां आवी हती अने केटलाक रोकड रकम पण छे आ मुद्दा ઉપર જપ્ત કરવામાં આવી હતી। ત્યારે જે પીએસઆઈ ચંદુ કુંભાણી સામે છે પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરી પૂર્વ સીપીએ અગાઉ આપી દીધી હતી, ત્યારે આજે ગઈકાલે છે તે પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ છે ગ્રામ્ય કોર્ટના તેની સામે છે તે પૂર્વ સીપી રાકેશ અસ્થાના છે તે હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે જુબાની આપી હતી। ત્યારે 14 જુલાઈના છે આ કેસ ઉપર વધુ સુનાવણી હાથ ધરાવવાની છે। જી જયેશ, માહિતી બદલ આભાર।